टीवी पर देखिए, जो हम सारे गामा पादा निसा बजाते हैं, तो वो रियाज करते करते, अलंकार बजाते बजाते एक अलग से ही फीलिंग, एक अलग से ही सारंगी की आवाज़ का रंग और सारंगी का संगीत वो हमारे अंदर पैदा होना शुरू होता है। तो जब उस तरह से रियाज करते करते हमारी समझ बनती चली जाती है, तो हमें रियाज करने में भी आनंद आता है और हमारा माइंड भी कुछ फ्री होता चला जाता है सुर के लिए। नहीं तो एक प्रेशर बना रहता है कि सुर कैसे बजेंगे, सुर कैच कैसे करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा समझाना ही मुश्किल है। रियाज करते करते आपको अपने उस्ताद की, अपने गुरुजनों की बात समझ में आएगी कि वास्तव में इसका रियाज करना किस लिए है। इसमें कुछ ऐसा मेथड नहीं है कि हमने वो सीख लिया 2-4 महीने में, 6 महीने में, तो उसके बाद सारंगी उस तरह से बजने लग जाएगी। नहीं, इसका इसका जो कलर है, इसके जो रियाज का जो रंग है, वो पूरा दिलो दिमाग पे छा जाएगा और फिर आपकी सारंगी अपने आप बजनी शुरू होगी। पहले आपके आपकी सोल में, आपके अंदर बजेगी, तो धीरे धीरे उस तरह से आपकी समझ बनेगी और फिर आपकी सारंगी बजेगी। जो जो भी आप राग सीखेंगे, तो धीरे धीरे वो राग के आलाप आपके अंदर पैदा होंगे, उसकी फीलिंग पैदा होगी, उसका विस्तार पैदा होगा और फिर सारंगी का एक जो अंश होता है आवाज़ का, वो आपके अंदर पैदा होगा। देखिए, अभी मैं जो भी बजा रहा हूँ वो कुछ फिक्स नहीं है, पर मेरे अंदर उस तरह का एक सोच है, उस तरह का एक संगीत है जो सारंगी पे आ